हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बेसिक्स एक्सेल में होम टैब के अंदर सेल्स। हम अभी तक कर चुके हैं होम टैब में क्लिकबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर एंड स्टाइल। स्टाइल में हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग नहीं की है, इसको हम एडवांस एक्सेल की वीडियो में करेंगे। और पूरा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए अभी हम इसे अलग से एक प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे, हाईलाइट रूल के लिए, टॉप बॉटम रूल के लिए, डेटा बार्स के लिए, कलर स्केल के लिए, आइकन स्टैट के लिए, न्यू रूल के लिए, क्लियर रूल के लिए मैंने बता ही दिया है क्या है, मैनेज रूल्स के लिए एक एक वीडियो बनाएंगे हम लेटर ऑन। ओके, तो स्टाइल हो गया हमारा। सेल्स पे आते हैं। सेल्स क्या होता है? जैसे हमें पता है ये सेल है हमारा, ये है E1, ये है E2, ये है F1, ये है F2, ये हमारे सेल्स होते हैं। इसी बेस पे कोई फार्मूला वर्क करता है और इसी बेस पे हम काम भी करते हैं। सेल वैल्यू क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो अब इसमें सेल्स में क्या ऑप्शन है? इंसर्ट है पहला, तो इंसर्ट क्यों बोल रहे हैं? इंसर्ट सेल, सेल हमें इंसर्ट करना है। सपोज़ मैंने इस पे किया सेल इंसर्ट, अब इसने क्या कर दिया, एक सेल इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट शीट रोज पे क्लिक करेंगे, रो इंसर्ट कर देगा। ये देखिए पूरी रो इंसर्ट कर दी इसने, ठीक है। अब इंसर्ट सीट कॉलम, सपोज हमें यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करना है तो यहाँ पे कॉलम भी कर सकते हो, ये इसने कॉलम कर दिया, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट टेबल, अब आप टेबल भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो, ये देखिए टेबल इसने कर दी। उसके बाद इंसर्ट टेबल कॉलम्स टू द लेफ्ट करना है। इंसर्ट शीट करनी है, शीट इंसर्ट कर देगा। ये देखिए यहाँ पर शीट टू इंसर्ट कर दी। ओके, और अब ये हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। तो शॉर्टकट क्या होता है इंसर्ट को इंसर्ट करने का? जहाँ पे भी आपका कर्सर है, सपोज ये F2 पे है, शिफ्ट दबा के अगर स्पेस दबाएंगे आप तो ये पूरे रो को सिलेक्ट कर लेगा, और कंट्रोल दबा के प्लस करेंगे तो ये एक रो इंसर्ट कर देगा। देखिए ठीक है, सेम शिफ्ट दबा के अगर ये हमें ब्लैंक वाली डिलीट करनी है तो शिफ्ट के साथ आप स्पेस दबाइए, फिर कंट्रोल के साथ माइनस दबाइए तो ये रो को डिलीट कर देगा। सेम कॉलम के साथ है, कॉलम के साथ क्या करते हैं, रो के लिए हम शिफ्ट स्पेस करते हैं, कॉलम के लिए कंट्रोल स्पेस करते हैं। ये पूरा हो गया, और कंट्रोल प्लस करोगे तो कॉलम इंसर्ट हो गया। सेम इसको कंट्रोल के साथ स्पेस करोगे तो सिलेक्ट हो गया ब्लैंक कॉलम, और कंट्रोल माइनस करोगे तो डिलीट हो गया। ये शॉर्टकट्स होते हैं। और अगर यहाँ से आप करना चाहते हैं डिलीट, तो सपोज पहले मैं इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट शीट रो, ये हो गया। अब यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर दीजिए, डिलीट शीट रो, डिलीट हो गया। अब पहले मैं इंसर्ट कर देता हूँ कॉलम, इंसर्ट शीट कॉलम, ठीक है, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, डिलीट शीट कॉलम्स, ये हो गया। तो ये इंसर्ट और डिलीट का होता है। तो हम ज़्यादातर शॉर्ट कमांड यूज़ करते हैं, यहाँ से हम कर्सर ले जाके नहीं करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने शॉर्ट कमांड बताई है, रॉ इंसर्ट करने के लिए, रॉ डिलीट करने के लिए, कॉलम इंसर्ट करने के लिए, कॉलम डिलीट करने के लिए, ठीक है। इंसर्ट डिलीट हो गया हमारा। सेकंड थर्ड ऑप्शन आता है हमारा फॉर्मेट। अब देखिए फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट है रो हाइट, जो हमारी ये रॉ है उसकी हाइट कम ज़्यादा करनी है। इस पर क्लिक करिए, 15 है, सपोज 20 कर देता हूँ। देखिए ये देखिए इसकी हाइट बढ़ गई, अगर मैं इसको 5 कर देता हूँ, देखिए कितनी कम हो गई, दिख भी नहीं रही। कंट्रोल जेड से जैसा था वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। सेम हमारा है कॉलम विड्थ के लिए, ये जो कॉलम है इसको ऐसे एक्सपेंड करने के लिए, अभी 8.29 है, यहाँ पर हम 20 कर देते हैं। ये देखिए कॉलम कितना बड़ा हो गया, कॉलम विड्थ में अब कर देता हूँ मैं 5, तो देखिए कितना छोटा हो गया। तो ये होता है। अब इसमें दो ऑप्शन आते हैं, ऑटो फिट रो, ऑटो फिट में ऑटो फिट हो जाएगा जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है एक्सेल में, ऑटो फिट कॉलम में सेम हो जाता है, डिफ़ॉल्ट विड्थ में डिफ़ॉल्ट हो जाएगा जो आपका डिफ़ॉल्ट रहेगा, ठीक है, 8.43 हो जाएगा। विजिबिलिटी में होता है आपका हाइड और अनहाइड, रॉ हाइड करनी है, कॉलम हाइड करना है, सपोज मुझे रॉ हाइड करनी है, देखिए वन के बाद सीधा 3 आ रहा है, 2 हाइड हो गया। अब मुझे अनहाइड करनी है तो अनहाइड रो, देखिए आप 1, 2, 3 आ गया। सेम आप इसके साथ कॉलम के साथ कर सकते हो, हाइट कॉलम, शीट को भी हाइड कर सकते हो। यहाँ से सपोज ये शीट 1 है, हाइट शीट 1, देखिए
शीट वन हाइड हो गई, शीट टू रह गई। अब अनहाइड शीट करेंगे तो वो पूछेगा, अगर और भी ज़्यादा शीट आपने हाइड कर रखी है तो वो यहाँ पे सारे ऑप्शन दे देगा, शीट वन टू थ्री जितनी भी हाइड करी होगी। तो जो अनहाइड करनी है उस पर क्लिक करके ओके करिए, तो ये आपकी शीट आ जाएगी वापस। ठीक है, ये हमारा हाइड अनहाइड होता है। इस पर यहाँ पे ना जाके यहाँ से भी कर सकते हो, राइट क्लिक करा, ये यहाँ पर आता है हाइड का, हाइड हो गई, यहीं पे राइट क्लिक करो आप और अनहाइड करो, फिर वैसे ही ऑप्शन आ जाएगा, शीट वन है, ओके कर दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया हाइड अनहाइड, अनहाइड और अनहाइड कॉलम, अनहाइड शीट हो गया। ठीक है, फिर है आपका ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज शीट्स यानी कि रीनेम शीट का, अगर रीनेम करना है तो रीनेम शीट, शीट वन की जगह यहाँ लिखते हैं जैन, यहाँ लिख देते हैं हम जैन डेटा, यह हमारा हो गया। इस तरह से हम शीट रीनेम करते हैं। मूव और कॉपी शीट, देखिए मूव और कॉपी का मतलब है कि अगर ये शीट मुझे कॉपी करके एक और शीट बनानी हो इसकी, सपोज़ जैन डेटा को मैंने बताया क्रिएट अ कॉपी, ओके देखिए जैन डेटा और जैन डेटा टू आ गया, तो इस तरह से हम मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं इसकी। उसके बाद आ जाते हैं टैब कलर, टैब कलर जो ये हमारा शीट्स होती है ना, ये इसका टैब का कलर चेंज करना है, तो सपोज़ मुझे रेड करना है, देखिए इसका कलर रेड हो गया, अगर इस पर शीट का क्लिक करूँगा तो रेड हो गया, इसको कोई भी और भी कलर भी कर सकते हो, और यहाँ से भी आप कर सकते हो शीट का रीनेम, यहाँ राइट क्लिक करा और आपका ये रीनेम, ठीक है यहाँ कर दो फैब डेटा, और सेम राइट क्लिक करके ही आपका टैब कलर चेंज कर सकते हो, सपोज़ मैंने ग्रीन कर दिया, ये देखिए ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं टैब कलर हो गया हमारा, यहाँ से नो कलर भी कर सकते हो, अगर वो कलर नहीं चाहिए तो हट जाएगा, देखिए अभी आ रहा है ये हट जाएगा जैसे इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद है हमारा ये प्रोटेक्ट शीट, लॉक सेल और फॉर्मेट सेल्स, इस ये थोड़ा इसमें थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, तो इसको हम करेंगे बाद में, इस पर हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे प्रोटेक्शन पे, शीट का, शीट की प्रोटेक्शन, सेल की प्रोटेक्शन, और ये फॉर्मेट सेल का तो मैंने आपको बता ही रखा है मेरे वीडियो में, आप देख सकते हो कि यहाँ जनरल नंबर और इस पर सारे, इस पर अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन, इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि आपको ईजिली समझ आएगा कि फॉर्मेट सेल्स का क्या काम होता है, तो इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अभी सेल्स में हमारा यही है, इंसर्ट सेल करना, इंसर्ट रो करना, इंसर्ट कॉलम करना, टेबल करना, इंसर्ट शीट करना, फिर उनको डिलीट करना, डिलीट सेल, डिलीट रो, डिलीट कॉलम, फॉर्मेट में हमारा रो का, रो की हाइट बढ़ाना, कॉलम की हाई विड्थ बढ़ाना, हाइट करना, अनहाइड करना, शीट को, रो को, कॉलम को, रीनेम करना, मूव और कॉपी शीट करना, टैब कलर करना, और ये प्रोटेक्शन के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू।